हरे कृष्णा राधे राधे। आइए जानते हैं 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार का पंचांग। सूर्योदय होगा सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:09 पर, चंद्रोदय होगा शाम को 6:51 पर, चंद्रास्त होगा सुबह 6:57 पर, तिथि रहेगी प्रतिपदा दोपहर 12:21 तक, उसके उपरांत द्वितीया लग रही है, नक्षत्र रहेगा रेवती रात्रि 9:08 तक, उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र लग रहा है, योग रहेगा ध्रुव सुबह शाम को 4:27 तक, उसके उपरांत व्याघात योग लग रहा है, करण रहेगा कौलव दोपहर 12:21 तक, उसके उपरांत तैतिल रात्रि 10:57 तक, उसके उपरांत गर वार रहेगा शनिवार, पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। शुभ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक, अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक, विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:10 से दोपहर 2:58 तक, गोधूली मुहूर्त होगा शाम को 6:09 से शाम को 6:33 तक, अमृत काल होगा शाम को 6:57 से रात्रि 8:24 तक, निशीत मुहूर्त होगा रात्रि 11:47 से 1 अक्टूबर की सुबह 12:35 तक। अशुभ समय की बात करें तो राहु काल होगा सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक, यमगंड होगा दोपहर 1:40 से दोपहर 3:10 तक, गुली काल होगा सुबह 6:13 से सुबह 7:43 तक, दुर्मुहूर्त होगा सुबह 6:13 से सुबह 7:01 तक, उसके उपरांत सुबह 7:01 से सुबह 7:49 तक। गंड मूल पूरे दिन रहने वाला है, पंचक का समय रहेगा सुबह 6:13 से रात्रि 9:08 तक। दिशाशूल होगा पूरब दिशा में, दिशाशूल यात्रा हेतु विचारा जाता है, जिस भी दिशा में दिशाशूल हो उस दिशा की यात्रा करना अनिष्टकारी माना जाता है। अग्निवास होगा पृथ्वी में दोपहर 12:21 तक, उसके उपरांत आकाश में। अग्नि का वास पूजा यज्ञ हवन अनुष्ठान में विचारा जाता है, अग्नि का वास जब पृथ्वी पर हो तब यह पूजा शुभ एवं मंगलकारी बताई गई है। शिववास होगा गौरी के साथ दोपहर 12:21 तक, उसके उपरांत सभा में शिव का वास, रुद्राभिषेक हेतु विचारा जाता है। शिव का वास जब गौरी के साथ कैलाश पर और नंदी के साथ हो तब यह पूजा शुभ एवं मंगलकारी बताई गई है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।